नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस तस्वीर से जुड़ी हुई है। कैबिनेट की बैठक जारी है, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगने की उम्मीद की जा रही है। जबलपुर के शक्ति भवन में कैबिनेट की ये बैठक जारी है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपनी कैबिनेट के साथ कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा कर रहे हैं और माना ये जा रहा है कि इस बैठक में ही अहम प्रस्तावों पर मोहर लग जाएगी। जबलपुर के शक्ति भवन में ये बैठक है। आज जबलपुर में हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। पहले संभागीय समीक्षा बैठक भी उन्होंने ली है और अब कैबिनेट की ये बैठक वहां पर की जा रही है। इस कैबिनेट की बैठक में किन किन अहम प्रस्तावों पर मोहर लगने की उम्मीद है, एजेंडा क्या है बैठक का, हर जानकारी आपको देंगे। जबलपुर के शक्ति भवन में होने वाली इस बैठक को लेकर कितनी देर हुई है बैठक शुरू हुए, कब खत्म हो जाएगी, ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि कैबिनेट की बैठक फिलहाल अभी भी चल रही है और जबलपुर के शक्ति भवन में ये बैठक की जा रही है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ये कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हम। जबलपुर के शक्ति भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ ये बैठक कर रहे हैं और बैठक में किन किन अहम प्रस्तावों पर मोहर लगने की उम्मीद है, बैठक कब तक खत्म हो जाएगी, ये हर एक जानकारी आपको देंगे। हमारे जो संवाददाता हैं वो जबलपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम पूरी अपडेट इस बैठक को लेकर हासिल करेंगे। फिलहाल तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जबलपुर की आप देख रहे हैं। शक्ति भवन सभागार में ये बैठक हो रही है और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर सहमति बन सकती है, उन्हें मोहर लगाई जा सकती है। फिलहाल शुरुआती जानकारी आपके साथ हम ये साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्कूलों में किस तरह से वीर गाथाएं अब पढ़ाई जाएंगी, उसको लेकर भी हमने आपको जानकारी दी है। और मोहन कैबिनेट की बैठक में फिलहाल चर्चा किन प्रस्तावों पर हो रही है, वो जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे हम। जबलपुर के शक्ति भवन में हो रही इस बैठक को लेकर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन तमाम मुद्दों की जानकारी दी जाएगी जो मुद्दे इस बैठक में डिस्कस किए जा रहे हैं, जिन मुद्दों पर हरी झंडी दिखाई जाएगी उनकी भी जानकारी मिलेगी। और इससे पहले किस तरीके से यहां पर संभागीय समीक्षा बैठक की गई वो हमने आपको बताया। मध्य प्रदेश में फैसला लिया गया है सरकार की ओर से कि रानी दुर्गावती अवंती बाई की वीरगाथा अब बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। साथ ही 300 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने का भी ऐलान सीएम की ओर से किया गया। और फिलहाल कैबिनेट की बैठक शक्ति भवन में की जा रही है। इस बैठक को लेकर जानकारी साझा सरकार की ओर से भी की जाएगी, मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी आप कैबिनेट की बैठक की जब औपचारिक शुरुआत हुई वो देख रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर को 900 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 409.53 करोड़ की विकास योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। गैरिसन ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने रानी दुर्गावती के योगदान को याद किया, साथ ही रानी अवंती बाई को भी नमन किया और कहा कि नई शिक्षा नीति में रानी अवंती बाई, रानी दुर्गावती की वीर गाथाएं पढ़ाई जाएंगी। मोहन यादव ने करीब 1100 करोड़ की लागत से नमामि देवी नर्मदे के तहत ग्वारी घाट और तिलवारा घाट में अयोध्या की तर्ज पर घाट बनाने का ऐलान किया। साथ ही आईटीआई से दमोह रोड तक ब्रिज बनाने की घोषणा भी की। आज साहस और शौर्य की प्रतीक वीरांगना रानी दुर्गावती को भी हम माननीय मंत्री श्री राकेश सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी, जो जो घाट पे आप घाट बनाने की बात करोगे, अयोध्या और हरिद्वार की तर्ज पर वो सारे घाट बनाए जाएंगे। बोलो नर्मदे महारानी की। अरे नर्मदा जी के किनारे घाट नहीं बनेंगे तो कहां बनेंगे? नर्मदा जी की आरती करें। नर्मदा जी तो जीते जी हमको मालूम है मोक्ष दायिनी है, एकमात्र हमारी पवित्र नर्मदा जी
जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है और हमारे मध्य प्रदेश के लिए तो जीवन दायिनी है। ऐसी पवित्र माँ के लिए अगर घाट नहीं बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे? निश्चित रूप से उनके लिए घाट बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में बंगले को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। 12 मंत्रियों के चुनाव हारने के बाद उनके मकानों की सूची बन रही है। उधर कांग्रेस बीजेपी पर वरिष्ठ नेताओं का सम्मान न करने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इस बारे में चिंता ना करे। एमपी में नई सरकार और मंत्रिमंडल के गठन के बाद मंत्रियों के बंगले की चर्चा होने लगी है। पूर्व सरकार के 12 मंत्री विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन वो अब भी बंगले में हैं। मसलन मंत्रियों को खाली करना होगा बंगला। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, महेंद्र सिंह सिसोदिया, सुरेश धाकड़, राम खिलावन पटेल, राहुल सिंह लोधी, भारत सिंह कुशवाहा, नरोत्तम मिश्रा, राम किशोर कावरे, गौरी शंकर बिसेन, प्रेम सिंह पटेल, अरविंद भदौरिया, कमल पटेल। उधर मोहन सरकार में बने मंत्रियों को बंगले का इंतजार है। गृह विभाग ऐसे मंत्री पूल वाले बंगलों की सूची बना रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी में सीनियर और पुराने नेताओं का सम्मान नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी एक सत्ता लोलो पार्टी है और यहाँ जिस तरह की स्थितियाँ हैं, कोई नैतिक मर्यादा नहीं है, कोई बड़ों का सम्मान नहीं है, पुराने लोगों के प्रति कोई आदर भाव नहीं है। तो जब सत्ता के लिए कोई चीज आती है तो वो तो ये सब लड़ाइयाँ होंगी, और अभी आप देखते जाइएगा कौन किसका बंगला छुड़ाता है, किसको बंगला मिलता है, ये सब होगा। और मुख्यमंत्री के लिए, और हो सकते हैं कि जैसे मंत्रिमंडल के बंटवारे के लिए बार बार मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना पड़ता है, ऐसे ही मंत्रियों को बंगले बांटने के लिए भी ये दिल्ली से लेके आए। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया, साथ ही कांग्रेस को अपनी चिंता करने की नसीहत दी। बंगलों को लेकर कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ एक पद्धति प्रोसेस है सरकार की, वो सरकार अपनी प्रोसेस से उन सब जिन मंत्रियों को जो निवास अलाट करना है वो कर दिया जाएगा, जिनको खाली करना है वो कोई मोह माया से चिपके नहीं है हमारे कोई भी पूर्व मंत्री पूर्व विधायक, इसलिए कांग्रेस पहले अपनी चिंता करे। बंगले के आवंटन की एक प्रक्रिया है जिसके जरिए मंत्रियों को मकान दिए जाएंगे, ऐसे में इस मसले पर सियासत गैर जरूरी है। वहीं विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है, साथ ही जनता के बीच मंथन करने की नसीहत भी दी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद से कांग्रेस ईवीएम को लेकर लगातार सवाल कर रही है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाए और पूछा कि आखिर बीजेपी को पहले से कितनी सीटें मिलेंगी, ये पता कैसे चल जाता है? मतदाताओं की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो होगा सो देखेंगे। और हमारी मांग क्या है? अरे हमारा वोट हमारे हाथ में दे दो, हम उसको देख के डाल दे। पहले उन्होंने 2014 में क्या दिया था? बहुमत 2072 पे आता, 284 आए, फिर कहा था 300 पार, 303 आए, अब कह रहे 400 पार, अब अगली उसके बाद कह देंगे 542। दिग्विजय के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने तर्क दिया कि ईवीएम पर शक शुबा खत्म करने के लिए चुनाव आयोग ने बैठक रखी थी, तब कांग्रेस कर क्या रही थी? देखिए, कांग्रेस और दिग्विजय सिंह जहां पराजित होते हैं वहां ईवीएम की बात करते हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि चुनाव में हारेंगे और ईवीएम की बात करेंगे। जब चुनाव आयोग ने इनकी सारी जितनी भी शंकाएं थी उसका समाधान करने के लिए बैठक बुलाई, उसमें ये पूछा गया कि कौन सी तकनीकी खामी आपको नजर आती है जिसमें आपको गड़बड़ी की आशंका है, तब इन लोगों ने सारे मुद्दे क्यों नहीं चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के सामने उठाए, क्यों नहीं उस बैठक में गए? जब हार जाते हैं, कर्नाटक में जीत जाते हैं, हिमाचल में जीत जाते हैं, छिंदवाड़ा में जीतते हैं, तब क्यों नहीं उठाते हैं? बीजेपी के इन आरोपों में दम भी है कि कांग्रेस जब जीत दर्ज करती है तब ईवीएम को लेकर सवाल नहीं उठाती। ऐसे में कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है। पूर्व
सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने गृह जिले सीहोर के बुधनी में उस समय भावुक हो गए जब लाडली बहनें उनसे मिलने पहुंची। बुधनी के शाहगंज में एक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे। रो रही लाडली बहनों को ढांढस बंधाते समय भावुक हुए पूर्व सीएम ने कहा कि सीएम का पद तो आता जाता है, लेकिन मामा और भाई का पद कभी कोई नहीं छीन सकता है। उन्होंने कहा कि राजतिलक होते होते वनवास हो जाने में भी कोई बड़ा उद्देश्य होगा। कई बार राजतिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। और क्या, मुख्यमंत्री के पद तो आ जा सकते हैं, लेकिन भैया का पद कोई नहीं छीन सकता और मामा का पद कोई नहीं छीन सकता। कई बार राजतिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। और क्या, मुख्यमंत्री के पद तो आ जा सकते हैं, लेकिन भैया का पद कोई नहीं छीन सकता और मामा का पद कोई नहीं छीन सकता। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर भावुक कर देने वाला बयान दिया। साथ ही ये भी कहा कि पूरा प्रदेश मेरा परिवार है और परिवार के रिश्ते पदों से नहीं होते, वो दिल के रिश्ते होते हैं, आत्मा के रिश्ते होते हैं। तो रिश्ता पद के साथ नहीं बदलता है। और इसकी बानगी देखिए, यहां ये जो बंगला आप देख रहे हैं वो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को अलॉट हुआ है, नया बंगला है और मामा का घर, उसमें ये प्लेट बाहर लगाई गई है। पूरा प्रदेश मेरा परिवार है और परिवार के रिश्ते पदों से नहीं होते, वो दिल के रिश्ते होते हैं, आत्मा के रिश्ते होते हैं। और दिल और आत्मा के रिश्ते पदों के साथ बदलते नहीं। माइक मत टकराना। इसलिए भाई और बहन, भांजे भाइयों से मेरा प्यार का और विश्वास का रिश्ता है। इस रिश्ते की डोर कभी टूटेगी नहीं। खरगोन जिले के सेगांव तहसील की ग्राम पंचायत गाटला खेड़ी के वकाना गांव में भोले भाले आदिवासियों को लालच देकर धर्मांतरण करने का मामला सामने आया है। एक कमरे के अंदर बड़ी संख्या में मौजूद आदिवासी पुरुष और महिलाओं को लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। सूचना मिलने के बाद सकल हिंदू समाज के लोग वहां पहुंचे और पुलिस को बुला लिया। पुलिस कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाने भी लेकर गई है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी ग्रामीणों के द्वारा कि बकाना गाटला खेड़ी के पास कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं और वो धर्मांतरण करा रहे हैं। इस पर पुलिस पार्टी को मौके पर भेजा गया और वहाँ से लोगों से पूछताछ करने के लिए कुछ लोगों को लेकर आए हैं। गाटला खेड़ी ग्राम पंचायत के समीपस्थ बकाना। और सीधे आपको ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ कैलाश विजयवर्गीय इसमें कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। उप मुख्यमंत्री ने बैठकर तय की दूसरी कैबिनेट मीटिंग, जब मंत्रियों ने शपथ ली थी और विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था, उस वक्त भोपाल में हुई थी और विभाग के बंटवारे के बाद ये तीसरी बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है। और ये विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने रानी दुर्गावती और रानी अवंतिकाबाई लोधी के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए जबलपुर में आयोजित की है। दोनों ही महान
महिला रानियों ने इस समाज में अपने साहस और वीरता के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया और इसलिए उनको आदर्श मानकर राज्य सरकार ने फैसला किया है कि दोनों ही महिला वीर सेनानी के प्रति अपनी आदरांजलि अर्पित करते हुए रानी अवंतिकाबाई लोधी सम्मान हर वर्ष आयोजित किया जाएगा और रानी दुर्गावती सम्मान ये भी हर वर्ष आयोजित किया जाएगा। समाज के अंदर वे महिलाएं जो विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके समाज सेवा करती है उनको सम्मानित करने का काम राज्य सरकार करेगी। इसके साथ ही इनके जीवन पर आधारित फिल्में साथ ही विश्वविद्यालय में इन दोनों महान रानियों के लिए फेलोशिप जिससे आज के हमारे विद्यार्थी इन पे अध्ययन कर सकें, इनके जीवन से प्रेरणादायक बिंदुओं को छूकर समाज को परोस सके, इसलिए सभी विश्वविद्यालय में विद्यालय और महाविद्यालय में पाठ्यक्रम में इनके जीवन की प्रेरणादायी विषय भी समाहित किया जाएगा। आप सभी जानते हैं संकल्प 2023 ये हमने चुनाव के पहले जनता के बीच में पेश किया था और ये कहा था कि ये संकल्प भी है और मोदी गारंटी भी है और इस मोदी गारंटी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो कि समाज के अति पिछड़े वर्ग से आते हैं हमारे आदिवासी भाई जो तेंदू पत्ता तोड़ते हैं उन तेंदू पत्ता तोड़ने वाले हमारे आदिवासी भाइयों को प्रति मानक बोरा जैसा कि हमने 2023 के संकल्प पत्र में घोषणा की थी 4,000 रुपये प्रति बोरा के हिसाब से आज कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। मैं आपको स्मरण करना चाहता हूं कि पहले ये 3,000 प्रति मानक बोरा थी, 2013 में 1,250 प्रति मानक बोरा थी, हमने इसको बढ़ाकर 3,000 की थी और अब 4,000 कर रहे हैं। इससे राज्य सरकार को लगभग 165 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार होगा। एक और महत्वपूर्ण योजना आप सभी जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के आग्रह पर पिछला वर्ष सारी दुनिया ने मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया और हमारे यहाँ के मिलेट्स को सारी दुनिया में प्रचारित करने का काम हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मिलेट्स को श्री अन्न की नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको प्रचारित किया है और इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण योजना रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें हम जो
श्री अन्न उत्पादन करेंगे। साधारणतया ये श्री अन्न उत्पादन करने वाली वही पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, वही अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ज्यादातर हैं इसमें, जिसमें कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करते हैं। इनको प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ये उनके खाते में सीधी जमा कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि इस प्रकार के अन्न के प्रति लोगों की रुचि बढ़े और इस वर्ग को उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो ये मोदी गारंटी है कि गरीब की गरीबी दूर करना, ये गरीब की गरीबी दूर करने का एक बहुत बड़ा उपक्रम है। मैं समझता हूं कि कैबिनेट ने आज इस वर्ग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके साथ ही आप जानते हैं कि 2003 में हमारे प्रदेश में जो सिंचाई का रकबा था वो लगभग 7 लाख हेक्टेयर के आसपास था। आज लगभग 45 लाख हेक्टेयर के आसपास है। हम इसको आने वाले समय में 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए आज 32,000 करोड़ की सिंचाई योजनाओं को अनुमति प्रदान की है। सड़क के मामले में भी मुझे याद है 2003 में मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, इस प्रदेश के अंदर मात्र 60,000-70,000 किलोमीटर सड़कें थी, वो भी गड्ढे वाली। सिर्फ मध्य प्रदेश में एक देवास बाईपास ऐसा था जिसमें एक भी गड्ढा नहीं था, बाकी सारी सड़कें गड्ढे वाली थी। आज की तारीख में हमारे पास 5,11,000 किलोमीटर सड़कें हैं जिसमें कि अधिकांश में गड्ढे नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सड़क की क्रांति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 20 वर्षों में की। इसको और आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से लगभग 4,500 करोड़ की सड़कें और बनाने का निर्णय आज की मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश का बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और कुछ आप सभी जानते हैं कि लगभग 100 वर्षों से और जबलपुर में कैबिनेट की ये बैठक हुई। बैठक में किन किन चीजों पर चर्चा हुई है, क्या क्या फैसले लिए गए, उनकी जानकारी यहां पर दे रहे थे नगर प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं, हम जुड़े रहिए।